पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस्ट बायोग्राफी अलर्ट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये दास्तां है भारत की सबसे मशहूर अभिनेत्रियों में से एक रोहिणी हट्टंगडे की। इनका जन्म हुआ 11 अप्रैल सन 1951 में शहर पुणे। इनका जन्म का नाम रहा रोहिणी ओक। मेरे सामने कहा सुकहा, पिताजी के सामने कभी न कहना। मालूम है तुझे डॉक्टर बनाना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना है। इनकी पढ़ाई लिखाई हुई पुणे के ही रेणुका स्वरूप मेमोरियल गर्ल्स हाई स्कूल में। यह बात बड़ी हैरान करती है कि भारत का जाना माना इंस्टीट्यूट FTII इनके घर के नजदीक ही था, लेकिन फिर भी इन्होंने नई दिल्ली में स्थित नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को चुना। इसके पीछे की वजह भी बड़ी हैरत अंगेज है। पर हुआ क्या? दरअसल इनके पिता अनंत ओक ने इनसे कहा था अभिनय का असली प्रशिक्षण रंगमंच से ही मिलता है, लिहाजा इन्होंने रंगमंच को चुना और फिल्म ट्रेनिंग को नहीं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में इन्होंने जी तोड़ मेहनत करी और वहां पे इनकी मुलाकात हुई जयदेव हट्टंगडी से। ये दोनों एक ही बैच के थे। कमाल की बात यह है महान थिएटर गुरु इब्राहिम अलकाजी के ये दोनों ही छात्र अपनी अपनी विधाओं में सर्वश्रेष्ठ बने। रोहिणी हट्टंगडी को, जो कुछ समय रोहिणी ओक थी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला था और जयदेव हट्टंगडी को सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का। जमाना बदल गया, तुम नहीं बदले। NSD से अपना कोर्स पूरा करने के बाद इन दोनों ने शादी कर ली। इस शादी से इन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा असीम हट्टंगडी। ये बात भी कम लोग जानते हैं कि रोहिणी जी ने विधिवत प्रशिक्षण लिया शास्त्रीय नृत्य कथकली और भरतनाट्यम का। इनके गुरु थे सुरेंद्र वडगांवकर। जब रोहिणी जी और जयदेव साहब NSD में ही थे तब इन्होंने एक थिएटर ग्रुप की शुरुआत की जिसका नाम रखा आविष्कार, और मराठी रंगमंच पे ये दोनों ही छा गए। एक बार फिर इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से नवाजा गया महाराष्ट्र स्टेट ड्रामा फेस्टिवल में। पहले तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ, फिर बैठ के पूरी बात सुनूंगी। इस बात पर भी गौर करना होगा कि रोहिणी हट्टंगडी पहली अभिनेत्री रहीं जिन्होंने कन्नड़ नाटक यक्षगान में काम किया, पहली एशियाई महिला जिन्होंने एक जापानी नाटक काबुकी में काम किया था। रहने दे, बड़ी तारीफ किए जा रहा है। नितिन सेन की बांग्ला कहानी पर आधारित नाटक अपराजिता बहुत मकबूल हुआ। ये एक सोलो परफॉर्मेंस हुआ करती थी जिसका मंचन हिंदी और मराठी दोनों ही भाषाओं में होता था। अभिनय रोहिणी जी का और निर्देशन जयदेव जी का। फिर तो विजय तेंदुलकर साहब के नाटकों का मंचन किया, प्रेमचंद साहब की लिखी लघु कथाओं पर आधारित नाटक बनाए गए और उनके उपन्यासों पर आधारित नाटक भी बनाए गए। अपने पति जयदेव हट्टंगडी के साथ मिलकर इन्होंने कलाश्रय नाम की एक संस्था बनाई जिसके माध्यम से नवोदित कलाकारों को प्रशिक्षण दिया जा सकता था। जिस अभिनेत्री ने सोचा था कि वो सिर्फ रंगकर्मी रहेगी, कोई नहीं जानता था कि ये विश्व सिनेमा की सबसे मशहूर अभिनेत्रियों में से एक बन जाएगी। हालांकि इनकी शुरुआत हुई सईद अख्तर मिर्जा की फिल्म अरविंद देसाई की अजीब दास्तां के जरिए। ये सन 1978 में आई थी। उसके बाद अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, फिर चक्र, हिंदी फिल्म अर्थ को कौन भूल सकता है, और सर रिचर्ड ऑटनब्रो की फिल्म गांधी जिसमें इन्होंने कस्तूरबा गांधी का किरदार निभाया था और इनके अभिनय ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया था। आप दोनों ही क्यों, मैं भी देखूंगी। ये बात भी मशहूर है कि जेम्स आइवरी एक फिल्म बना रहे थे हीट एंड डस्ट, जब वो रोहिणी हट्टंगडी से मिले तो वो एकदम आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें लग रहा था कि यह अभिनेत्री तो काफी उम्र दराज होगी, लेकिन ये तो बहुत ही कम उम्र की नजर आई और थी भी, लिहाजा इन्हें उस फिल्म का हिस्सा नहीं बनाया गया क्योंकि उस फिल्म के लिए मेकअप का इस्तेमाल जरूरी नहीं समझा गया था। महेश भट्ट साहब की फिल्म अर्थ जिसमें शबाना आजमी, स्मिता पाटिल, कुलभूषण खरबंदा जैसे दिग्गज कलाकार थे, उस फिल्म में रोहिणी हट्टंगडी ने ऐसा किरदार निभाया कि इन्हें फिल्मफेयर की तरफ से बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। उसके बाद तो कमर्शियल फिल्म्स रहीं कि आर्ट फिल्म्स, हर जगह पर रोहिणी हट्टंगडी का बोलबाला था। फिल्म सारांश को कैसे भूला जा सकता है, या फिर अग्निपथ में विजय दीनानाथ चौहान की माँ का किरदार। क्या माँ, पिताजी ने घर तो नया बनवा लिया लेकिन घड़ी वही की वही, तुम्हारे दादाजी की निशानी जो है। और चालबाज में वो औरत जो वैम्प भी है और कॉमेडियन भी, मुन्ना भाई की माँ भी यही बनी थी। टेलीविजन सीरियल्स में भी इनके निभाए किरदार आज भी यादगार हैं। इन्हें फिल्म पार्टी के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड से भी नवाजा गया था। आज शाम को ही मैंने उन्हें बता दिया था। इस बात पर भी गौर करना होगा कि सन 2004 में इन्हें संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया। यकीनन ये एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो किसी भी तरह का किरदार बड़ी सरलता से निभा लेती हैं। विश्व सिनेमा और रंगमंच के इतिहास में रोहिणी हट्टंगडी का नाम सदैव गर्व से लिया जाएगा। तो क्या हुआ, मैं भी कौन सी BA में हूँ बेटी, लड़कियों को तो असली डिग्री घर संसार संभालने पर मिलती है।
महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।